सर, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पिछली बार भी आए थे आपने, इसकी वीडियो डलवा चुके हैं, लेकिन दोबारा इसमें फिर दोबारा आप वीडियो अपलोड करो, और इसका क्या कारण, कुछ नया हुआ है इसमें? अरे नहीं महेंद्र जी, ये मशीन तो मेरी बहुत लोगों ने पसंद की और बहुत ही उम्दा मशीन है, नया हमने इसमें कुछ नहीं किया। इसमें मैं अभी जैसे नवरात्रों का चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, कंपनियों तो वैसे कोई कुछ निकाल रही है कुछ निकाल रही है, मैं इस मशीन को, हम लोग अभी ये मशीन जो है 3500 से ज़्यादा सेल कर चुके हैं, तो हमने इसके जितने ये हमारे मोल्ड बने थे, ये देखो स्प्रे मैन का अंदर का मोल्ड, वो मोल्ड और ये कवर का मोल्ड, इन सारी चीज़ों के मेरे को जितने मेरे डाइयों के पैसे थे वो कवर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसान को जो अभी मेरे को ये इसका बेस्ट रेट पड़ रहा है, मैं वो उनको ही शॉर्ट कर दूँ, इसको मोल्ड को मैं बंद कर रहा हूँ, और जितने मेरे पास टीम जितनी भी ये डिजाइनिंग मशीनें पड़ी हैं वो मैं दिवाली तक ऑफर रखूँगा। ये मशीन अभी हम किसानों को जो पहले 57,500 की दे रहे थे, ये अब 50,000 में दे रहे हैं, 50,000 के अंदर हम लोगों का वही क्वालिटी, वही सब कुछ जो आप पहले यूज़ कर रहे हो, बट जितनी मेरे पास जो बंदे इसको पहले ले लेंगे उनको मिल जाएगी, जहाँ हमारे पास जब तक स्टॉक है देंगे, उसके बाद हमारा इसी मशीन का जो बदल है वो हमने इसमें चेंज कर दिया है। कुछ चीज लोगों ने इनकी कॉपीज कर ली थी, चाइनीज लेके आए हैं, तो हमने ये वाली पूरी जो नए मोल्ड बने हैं हमारे पेटेंट हुए हैं डिज़ाइन, और इसमें भी हमारी गियर बॉक्स की वही डिज़ाइन ही रही है, ये फेंडर चेंज किया है हमने, एक लोगों का था कि वो उसके आगे स्टैंड लगा हुआ है जहाँ पे वो दिक्कत आती है घुमाने में, यहाँ पे मैंने टायर दिया है, टायर बहुत उम्दा दिया है, और ये मशीन की कीमत अभी हमने वही रखी है पुरानी जो 57,500 थी, तो इस मशीन में और उस मशीन में वैसे टेक्निकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर मेनली लगा लें इसका जो डिज़ाइन और इसका जो टायर, ये अंतर है, बट हमारे लिए इन चीज़ों के लिए उसमें थोड़ी जो कमियां थी, ये वाली स्ट्रॉन्ग करी है, लाइट बड़ी की है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी ये टायर की है, इन चीज़ों के ऐसे नहीं है कि चाइना से कंटेनर मंगा लो और बेच दो, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है हमारा, क्योंकि हमारी खुद के मोल्ड बनते हैं, तो ये मशीन जब तक इसके हमारे डाइयों के पैसे कवर नहीं होगी इतने भी रहेगी, और इसी के एक नेक्स्ट मॉडल हमने लॉन्च किया है, इसी के लिए कुछ फार्मर की रिक्वायरमेंट थी कि आप यार हम लोग छोटे हैं तो हमें कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट दो जो हमारी पॉकेट के अंदर आ जाए, तो इसमें मैंने क्या किया है, ये वाला मॉडल मैंने इसमें वही जो इंजन 7 HP का जो बोलते हैं वो ही लगाया है, और इसमें हमने इस प्रोडक्ट की कीमत रखी है 42,000 इसलिए रखी है क्योंकि इसमें जो छोटे फार्मर की डिमांड थी वो सभी की पॉकेट में आ जाए। इसमें जो मेरे टिलिंग ब्लेड हैं, टिलिंग ब्लेड साइज़ वही है 3 फुट का, और वही गियर है अंदर, वही क्लच है जो मोटरसाइकिल में पड़ता है, तो मेरे फार्मर के लिए मेरे पास पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, और अगर आप कोई भी किसी भी स्टेट का फार्मर गए, मेरे पास ढेरों फार्मर की लिस्ट है, ये मैं दे सकता हूँ, अगर आप पूछकर उससे बात करके फिर लेना चाहो तो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, इसी मशीन के अंदर जो हम नया करने वाले हैं, अभी जो कर दिया है, और मेरी बहुत सी मशीनें मैंने ये देखो होंडा के इंजन के साथ लॉन्च की थी, होंडा को मेरे को क्यों पसंद है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, आफ्टर सेल सर्विस 1400 डीलर है होंडा के ऑल ओवर इंडिया में, ये इंजन का सामान आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और जो गियर बक्सा है हमारा खुद का बना हुआ है, तो इसमें हम लोग आपको यहाँ पे देखो ब्रांडिंग, और यहाँ पे हम पावर्ड बाय होंडा ये वाला स्टिकर जो है बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, ये क्योंकि हमारी इसके टेस्ट मैच क्लियर हो चुके हैं होंडा के साथ, तो वो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा पावर्ड बाय होंडा, तो GX और GF वो सीरीज़ के लिए मैंने बता ही दिया था कि इंडियन जो इंजन होते हैं वो GX सीरीज़ की होते हैं, जो GF सीरीज़ है वो चाइना वालों ने कोई नई सीरीज़ खड़ी की है, ऑल ओवर दुनिया में कोई GF सीरीज़ नहीं है, और यहाँ पे अपना कोई HP नहीं लिखा हुआ, इंजन की पावर जो बनती है वो बनती है इंजन को आपने जोड़ा किसके साथ है, अगर मैं बेल्ट में डाल दूँ तो इसकी पावर कम हो जाएगी, अगर मैं इसको आपका डायरेक्ट PTO ड्राइव दूँ तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी टिलर के साथ आपने मैंने पिछली वीडियो में देखा 10-10 टन वजन डालकर 15-15 क्विंटल वजन डालकर फार्मर चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रॉली के लिए अभी बहुत सी मैंने वीडियो देखी, कोई बोलता है ये मैंने हिंदुस्तान में पहली बार ब्रेक लगा दिए इसमें, अरे भाई ट्रॉली के अंदर मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ ट्रॉली में ब्रेक नहीं होते, ट्रैक्टर में ब्रेक होते हैं, अगर ट्रैक्टर की ट्रॉली में ब्रेक लगा दोगे तो देन इट इज़ वेरी क्लियर
एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने जो पीछे वाली चीज़ है उसको जाम कर दिया, उसकी हुक टूट जाएगी, उसकी पिन टूट जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों को ये गुजारिश है कि थोड़ा समझ के लिया करें, बहुत जल्दी में कोई भी फैसला ना लिया करें। और तीसरा, ये हमारी जो आपको 830 मॉडल है, ये हमने पीछे भी आपको दिखाया था, होंडा के इंजन के साथ है। इसको हम 1,05,000 में, उस टाइम मैंने, मेरे को लोगों का था कि आपने इसकी प्राइस तो बताई नहीं यार, मशीन तो बहुत अच्छी दे दी है। इस मशीन में वही सारा कुछ जो मैंने पीछे बताया था आपको, 3 गियर फॉरवर्ड है। इस मशीन की विशेषता ये है, इसमें एक PTO गियर है। PTO गियर जब आप, जैसे ट्रैक्टर का हम लोग PTO के साथ रोटावेटर चलाते हैं, टायरों के साथ चलता है, तो बहुत ईजीली वर्कआउट है इंजन। इसमें भी हमने होंडा का ही दिया है। मैं आने वाले कुछ जो 5-7 महीनों में जितनी भी मेरी मशीनें, हमारा टारगेट है कि हम सभी में होंडा का इंजन लगा दें। जस्ट हम देखना चाहते हैं कि फार्मर इस प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है या वो फिर भी अभी भी उसी चीज़ में उदेड़बुन में है, 7 HP जैसे या GF सीरीज या वैसे, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं फार्मर के रिस्पॉन्स के। अभी जब हमने पिछले बार होंडा का इंजन लगा के मशीन लॉन्च की थी, तो मैं आपको बोलूँ हमने 100+, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, 100+ मशीनें इतने दौरान बेच दी हैं होंडा के इंजन के साथ, क्योंकि होंडा के पार्ट्स आफ्टर सेल बहुत सस्ते हैं, होंडा की सर्विस बड़ी अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया में 1400 डीलर हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं। और तीसरा, हमारा ये जो हमने एक ट्रॉली बनाई है, ये ट्रॉली में हमने मारुति के टायर लगाए हैं, रिम मारुति के दिए हैं। ब्रेक में इसमें लगा सकता था, डिस्क ब्रेक कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, 1000-1500 का खर्चा हो रहा है। ये ट्रॉली हम वैसे जैसे वो 17,000 की दे रहे थे, ये 22,000 की दे रहे हैं लोगों को। और इस ट्रॉली के अंदर मैंने 20 क्विंटल वजन डाल के देख लिया, इसी मशीन से हमने खिंचाई कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई लोग कहते हैं कि पीछे बैठकर चला लो, ऐसे कर लो, रोड के ऊपर मैं कभी परमिशन नहीं देता फार्मर को कि लेके जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई भी लीगली रोड के ऊपर चलाने की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है। जो भी बंदा ट्रॉली लेगा, ट्रॉली मेरा कोई, मैंने नहीं बनाया, हिंदुस्तान में पहला बंदा नहीं हूँ मैं, तो पता नहीं 100वां 200वां 1000वां बंदा होगा। ट्रॉली बहुत बनती है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये चीज़ें जो है, सारी चीज़ें मैं फार्मर को इसलिए जोर लगा रहा हूँ कि समझ के खरीदो आप। और ये वाला मॉडल जो हमारा है, इसमें अभी हम इंजन तो लगा रहे हैं होंडा का 270, बट अभी हमारा टेस्ट मैच इसमें क्लियर हो गया है, मतलब नियर बाय है। तो ये वाला जो मॉडल है हमारा 840, इसमें बहुत जल्दी हम जहाँ पे पावड़ा है होंडा का टैग देने वाले हैं आपको बहुत जल्दी। और इस मशीन के पीछे या कल्टीवेटर आप चलाओगे पीछे डालकर, इसमें हमने 5 हल वाला कल्टीवेटर अभी लॉन्च किया है, वो 3 हल वाला लॉन्च किया है, इसके टायर लॉन्च किए हैं, पर्लिंग व्हील लॉन्च किए हैं, पर्लर व्हील जो है जैसे आपने उसमें चलाना है जीरी के अंदर खेत तैयार करने के लिए। तो ये वाला देखो भाई, कोई बंदा कहता है मैं 3500 का दूंगा, कोई कहता है 4000 का दूंगा। अभी जो हम इसको भी 2800 रुपये में दे रहे हैं, पहले 3000 था, इसकी भी मेरे काफ़ी बेच दी हैं, इसकी प्राइस भी 200 रुपये कम की है। अभी ये 5 वाला भी हमने लॉन्च किया है, 3500 का, तो हम 5 हल वाला दे रहे हैं लोगों को। अभी जो ये मैंने अपने 2-3-4 दिन में ये फार्मर कैंप लगाने से पहले हमने अपनी कॉस्ट को एक्यूरेट किया है। और ये लोहे के टायर जो है, ये दोनों का सेट 4000 का है। ये शाफ्टें आपको उसी रबड़ वाले टायर से उतार के लगानी होती है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर दिया है। तो ये पर्लिंग व्हील, ये भी 3500 रुपये के है। ये व्हील की जो महत्ता है, जब हम जीरी लगाने के लिए, मेरे पंजाब में उसको जीरी बोलते हैं, धान लगाने के टाइम पे जो घारा बनाना होता है, तो इन व्हीलों से बनता है। तो ऐसा करके मैं एज पर फार्मर डिमांड हम लोग अपने प्रोडक्ट को भी अपग्रेड कर रहे हैं। मैं भाई आप ही से सीखता हूँ, किसानों से हम लोग सीख कर ही कुछ करते हैं। मैं कभी आपको ये नहीं बोलेंगे हम कि हम हिंदुस्तान में पहले बंदे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सब चीज़ें झूठी होती हैं भाई। कभी आकर वर्कशॉप में देखो तो पता चलता है कि कोई बंदा जो वो वीडियो में बोल रहा था वो सब कुछ ऐसा है भी। मनीष जी बहुत ही अच्छा लगा, जो आपका जो पावर टिलर सेल्फ स्टार्ट होता है, इसकी वर्किंग भी देख ली, काफ़ी अच्छा करता हूँ। मैंने खुद चला के देखा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई चलाने के अंदर। पहले मेरे को लग रहा था कि इसमें दिक्कत होती होगी, लेकिन मैंने भी चलाया, काफ़ी आनंद आया। आपसे और पूछना चाहता हूँ कि निराई गुड़ाई के अलावा इसके अंदर और भी इससे वर्क ले सकते हैं हम इसके अंदर? अरे हाँ महेंद्र भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी मतलब पिछले
एक्चुअली जितने भी हम लोग मेरे ख्याल कम से कम ये 9 HP की मशीन है ऑल ओवर इंडिया में अभी हमारी 500 से ऊपर चल रही होंगी, तो बहुत से किसानों की मेरे को पहले भी डिमांड थी, अभी तो मैंने कुछ बहुत सी R&D कर दी है इसके अंदर। तो ये मशीन के अंदर आप लड़ाई गड़ाई तो अभी जैसे हमने दिखाया है कल्टीवेटर लगा लोगे, मिट्टी आपकी पत्थर वाली है तो आप इसमें वो सरिये वाले, मैं चाह रहा था कि पथरीली जमीन पे भी चलेगा, बिल्कुल पत्थर के लिए जो हमने अभी सरिये वाले ब्लेड चलाए थे ना वो ब्लेडों के साथ इसके साथ जो जैसे रोड़े वाली जमीन है वो उसको पत्थर को अलग कर देगा, और दूसरा जो ब्लेड हमने ये टिलिंग ब्लेड दिया है ये तो चलते ही चलता है, तीसरा हमने ये लोहे के टायर के साथ वो कल्टीवेटर दिया। इसका मेरा मकसद है कि अलग जमीन हो चाहे अलग कैसी भी जमीन और अलग अलग फसलें, जैसे आपकी मक्की में आपने चलाना है तो हमें थोड़ी इतनी सी चाहिए तो वहां पे कल्टीवेटर लगा के चला लोगे। और फिर हमारे दिमाग में ये आइडिया तो 1.5-2 साल पहले ही आ गया था, मैंने बहुत से फार्मर को रीपर बेचा है तो रीपर के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसी मशीन के पीछे एक हमने ये देखो PTO गियर दिया है, ये बैक साइड में इसमें गियर दिया है, PTO ड्राइव इन है, और जो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मशीनें तो मैं बहुत साल से बेच रहा हूँ ये, तो इसमें हमने बैटरी की सेल्फ स्टार्ट ड्राइव इन दी है, एमरोन कंपनी की बैटरी लगाई है, इसके टायर जो रबड़ वाले टायर हैं वो इंडियन है, लोग चाइना से मंगवाते हैं ऐसे डब्बा बंद तो आगे भेजते हैं, किसी की बैटरी खराब होगी किसी का वो हो गया, ये बैटरी एमरोन की आपके एरिया में ही चेंज हो जाएगी। मतलब हमें दिक्कत रहती थी कि हम अगर अपनी कोई स्पेशल कंपनी की बैटरी लगा के दे रहे हैं सस्ती तो पड़ती है वो सभी को पता है, बट ये एक्साइड की ऑल ओवर इंडिया की इंटरनेशनल कंपनी है तो ऑल ओवर इंडिया में गारंटी मिल जाती है। और हमने इसी का रीपर तो मैंने लगभग खाली UP में ही 450 बेचा होगा, कुछ लोग मेरे को अभी हिसार वाली वीडियो में बोलते हुए सुने कि ये वाला भी रीपर मैं लेके तो बड़ी मिन्नतें करके आया हूँ पर ये रीपर टिलर के साथ कामयाब नहीं है। मैं मेरे भाई को बता दूँ कि मेरे पास ऐसे सक्सेसफुल जो कस्टमर हैं वो जो रीपर चला रहे हैं, देखो ये UP की बात करें तो UP में फिरोज खां यासीन खां ये भाई अपना चौंदा में है, ये हाथरस के पास जो है इसका है, इसका टेलीफोन नंबर मेरा भाई जो बोल रहा है कि टिलर के साथ रीपर कामयाब नहीं है तो उसका नंबर है 9758166005। और ऐसे ही हमारा ये बिहार में है, मैं अभी स्टेटें तो बहुत हैं बट मैं आपको चुनी गिनी चुनी जो फार्मर हैं एक एक दो दो इनके बताऊंगा नंबर जो कुछ टेक्निकल भी हैं। ये सकल राम देव है, ये आपका ग्राम करुनिया पोस्ट ऑफिस टकला थाना मोवी में है और इसका नंबर है 6201-83048। तो आप लोग मेरे देखो मैंने तो अपनी हर एक चीज़ को बढ़िया ही बोलना है, तो ऐसे ही राजस्थान में है मेरा लक्ष्मण शर्मा करके करौली हिंदौन में, ये फार्मर का नंबर है 63-768-20-68। तो मेरे भाई राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो इससे पूछ सकते हैं, ऐसे ही हिमाचल में है, हरियाणा में मेरी पलवल में है राजकुमार के पास मशीन है, वो उसका नंबर है 9635-50-72-37। और ऐसा ही उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में प्रताप सिंह के पास मेरी मशीन है, ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी 79831-17-32-26। तो मैं ये चीज़ें इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ऐसे मेरे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में नाम लोगे तो बहुत ही ज्यादा हाँ, बड़ी हो जाती है। नहीं ऐसा है कि मैं एक चीज देखो, कोई बंदे झूठ बोलते हैं कि ये रीपर टिलर के साथ कामयाब नहीं है, मेरे को ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये झारखंड में जैसे जालनी खान है, झारखंड में जो 2 साल से रीपर मेरा यूज कर रहा है टिलर भी चला रहा है, इसको तो मैंने जनरेटर चला दिया है, मतलब आपको मैं इसका नंबर बोलता हूँ, ये सिंजो पोस्ट ऑफिस करू डिस्ट्रिक्ट लोहर धागा, ये रांची अपन रांची के आसपास है और इसके पास मेरा यही 9 HP का पावर वीडर है, पुराना मॉडल है वो इतना सक्सेस है, 94-313-71-656। इस बंदे का नाम जालनी खान है, ऐसे दिल्ली में पंजाब में तमिलनाडु में तेलंगाना में मतलब हिंदुस्तान की 17-18 स्टेटों में मेरे भाई हमारे रीपर चल रहे हैं और वो दे आर वेरी हैप्पी फार्मर। और बट मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ सुधार जरूर किए हैं, बेसिकली ये क्लच जो है इसके
इसकी जो ये स्ट्रिप्स होती है ना, ये कॉपर की डाली नहीं सकती। टेक्निकल अगर आप अच्छे से गूगल बाबा पे ही चले जाओ ना, तो आपको वो बता देगा कि ये एल्यूमिनियम की ही होती है और इसके ऊपर लेदर लगे होते हैं। जब ये चीज़ें बंदा जो आपको टिलर बेच रहा है उसको ये नहीं पता कि ये कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है, वो बोल रहा है ये मैंने कॉपर का डाल दिया। तो दूसरी चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, मेरे टिलर के अंदर ये जो साइज़ है क्लच का, जो आपके मोटरसाइकिल के अंदर पड़ता है, कहीं धोखे में आकर आप वो महंगा ना ले लो, ये 550-600 रुपये की आइटम है। अगर ये तब डैमेज होता है जहाँ हमने गेयर ऑयल प्रॉपर नहीं डाला, जहाँ हम लोगों ने बिना क्लच दबाए गेयर डाल दिया, तो उस टाइम घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी खुद की R&D की हुई है तो मेरे को पता है। अब ये देखो ये वाले चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैंने ब्रास का क्रोन ओपिनियन डाल दिया। अरे भाई ये ब्रास का चल ही नहीं पाएगा, यहाँ पे हमें हाई टेम्पर्ड मटेरियल जो होता है वो लेकर डालना होता है, क्योंकि हम खुद बनाते हैं गेयर तो हमें पता है इन चीज़ों का। कुछ लोग जो धोखेबाज हैं, चीटर हैं, वो आपको बोलते हैं कि मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट उनकी ब्रांडिंग कहीं नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर देखो ये ब्लेड्स मेरी ये खुद की मोल्ड हैं और सारे टोटली जो है लुधियाना में बन रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, लुधियाना में बन रहे हैं। तो मैं फार्मर को ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे चीटर लोगों से बचना है। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, मेरे को भी चेक करो आप जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। आप होंडा से पूछो कि ये भाई जो बोल रहा है वो सही है। ये देखो ये मेरा पुराना मॉडल है, स्प्रे मैन मैंने, क्योंकि हमारे लिए भी एक ट्रायल था तो मशीनें तो मैंने 500 बेची हैं। फार्मर का हमें था कि ये बेल्ट लगी हुई है, इस बेल्ट को किसी तरीके से ढक दो, क्योंकि कोई फसल छोटी होती है इसके अंदर घुस जाती है, ये चेन आपकी नंगी है। और दूसरा था कि इसका हमारे पास जैसे हमने पीटीओ के ऊपर गेट चेन डाली तो ये तुरंत चलने लग जाता था, तो वो सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखे। अभी ये मेरे लिए मेरा ही मॉडल है, हमने इसको डिनाई कर दिया, लोग मेरे ही OEM से जिससे मैं ये बनवाता था उसके पाँव पकड़ के उससे लेकर आ रहे हैं कि ये कामयाब नहीं है। अरे भाई ये तो मेरी 450 से ऊपर चल रही है, बट इसमें जो हमारा सुधरा हुआ मॉडल है, सुधरा हुआ आपका कहने का मतलब जो आपने इसके अंदर कमी देखी और कस्टमर ने कमी आपको बताई वो, यानी कि आपने पूरा सुधार किया है? अरे बिल्कुल महेंद्र जी, जब तक देखो हम लोग कस्टमर की जितने कस्टमर हैं मेरे प्रोडक्ट के अंदर जितनी कमजोरियाँ हैं अगर वो मेरे को बताएंगे तभी तो मैं उसको दूर करूँगा। कुछ लोगों का मेरे को आता है जी फलाना फलाना है तो मेरा फ़ोन उठाना उसने बंद कर दिया। अरे भाई हमारी फैक्ट्री में ऐसा रूल है कि हम कंप्लेंट वाले का फ़ोन जल्दी उठाते हैं, क्योंकि कंप्लेंट करने वाला फार्मर ही हमारा क्वालिटी कंट्रोल पर्सन होता है। अगर कंप्लेंट नहीं बताओगे इसमें सुधार कैसे करेंगे? हर चीज में सुधार की गुंजाइश है। तो मैं कभी मैंने अपने आप को ये नहीं बोला हिंदुस्तान में मैं पहला बंदा हूं या मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। अरे भाई मेरे से ऊपर के बहुत हैं। अब मैं आपको जो मैंने रीपर के अंदर चेंजेस किए हैं उसकी डिसीजन करेंगे। यही जो मशीन आप पूछ रहे थे इसी मशीन का आप हैंडल घुमा लोगे, हैंडल घुमाकर इसके अंदर हम ये रीपर अटैच करेंगे। अब इसमें नया क्या कर दिया हमने, ये जो जितनी यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट दिख रही थी बाहर जिसमें फसल फंसने की ज़्यादा प्रोविजन रहती थी उसमें हमने चेन डाल दिया। चेन को हम पीछे ले गए बिल्कुल पीछे, और इसके लिए चेन को कवर के लिए एक कवर लगा दिया है, और एक हमने इसके लिए स्पेशली क्योंकि जिस टाइम इसने चलना होता है ये रिवर्स गियर में चलती है मशीन, ये मैंने रीपर को एक अलग से गियर दिया। रीपर से अलग से गियर देने से ये हो गया कि आप मशीन को लेके जा रहे हो चलाकर, बट रीपर तब चलेगा जब ये गियर डालोगे। ये मेरी पुरानी मशीनों में नहीं था। और इसमें हमने मैं आपको असली नकली और घटिया की पहचान के लिए कुछ मेरे किसान भाइयों को बहुत क्लियरली बता देता हूँ। देखो ये मेरी अंदर एम्बोसिंग है, ये आप देखो स्प्रे मैन, ये मोल्ड मेरा अपना है, खुद का मोल्ड है, इसमें स्प्रे मैन अंदर खुदा हुआ है। और इधर आकर देखो आप ये जो ब्रांडिंग है ये भी पूरी खुदी हुई है। और सबसे पहले कई लोग बोलते हैं इस आर का क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस इज़ द रजिस्टर्ड ब्रांड, ब्रांड इसका कोई और नहीं रख सकता। और ये पूरी नंबर प्लेट बैच नंबर एक एक चीज़ का हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। कुछ लोग क्या करते हैं कहीं से लिया कैसे लिया यहाँ पे स्टिकर उतार के लगाए और बन गई जी ये मैंने हिंदुस्तान में पहली बार किया। अरे भाई मैंने ये पहली बार नहीं किया, बहुत से लोग हैं मेरे से ऊपर वाले भी, हम तो ये कहते हैं कि हमने ये नया कर दिया, मतलब नया कर दिया हमारे लिए नया है, मतलब मेरे को नहीं पता है कि इससे पहले भी कुछ लोग ये चीज़ें बेच रहे होंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि देखो ये तो
हमारा इनोवेटिव हो गया। पहले हमारी जो लेवलिंग करनी होती थी, यहाँ से अब हमने रोड लगा दिए हैं ताकि आपको इसकी जो चेन और बेल्ट की, यहाँ पे एक चेन डलनी है, ये दोनों की लाइनमेंट जो है वो आप इस रोडों से करोगे, जो कि पहले वाले सेगमेंट में नहीं थी। तो ये भाई आप किसी की बातों में ना आओ, ये बिल्कुल 100% कामयाब मशीन है और 100% में मेरे पास रिजल्ट है। मैंने कुछ फार्मरों को इसीलिए नंबर दिए हैं। सर एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि डीजल से चलती है पेट्रोल से चलती है? देखो ऐसा है जी, इसमें हमारे पास दोनों मॉडल हैं, डीजल भी है पेट्रोल भी है, और हमने इसके लिए रीपर को चलाने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए, बट हमें यहाँ पे वेट चाहिए, वजन चाहिए। वजन हमें तभी मिलेगा अगर इंजन भारी होगा, तो जो मेरा रीपर अगर मैं इसके 3 फुट की जगह पर 4 फुट भी लगा लूँ तो ये उठा लेगा। उन मशीनों में हमें जो पहली वाली हमने बेची है, उनमें एक तो हमारा हैंडल जो यहाँ से हैंडल की लंबाई कम थी, तो बहुत फार्मर नजदीक आके खड़ा होता था। इसमें हमने हैंडल को डबल स्टेप दिया और लंबा हैंडल कर दिया, और ये मेरा टोल बॉक्स है जो मेरा अपना खुद का पेटेंट डिजाइन है। और तीसरी ये चीज़ें, ये रीपर ये डीजल इंजन है, 9 HP का है और कामा कंपनी का है। मैं कभी भी सब स्टैंडर्ड इंजन यूज करना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरा रीपर है, जब इंजन स्टार्ट करेंगे टिलर तभी तो चलेगा ना। सर प्राइस क्या है इसका? प्राइस अभी हमने देखो, वैसे तो इसकी प्राइस मेरे को पिछली वाली मशीन से लगभग 4-5 हज़ार कॉस्टली आई है, बट हमने मशीनें इतनी बेच दी हैं। अब हमारा है कि हमारे मोल्डों के पैसे पुराने जो कवर हो गए हैं, तो मैं फार्मर को वही मेरी पुरानी प्राइस, जैसे मैं पहले 9 HP की मशीन और रीपर 1,25,000 का देता था, जिसके अंदर वो मेरी 4 फुट की टिलिंग भी साथ में है, सेल्फ स्टार्ट है, एमरोन की बैटरी कर दी है, वो सारी मशीनें करके 1,25,000 में हम फार्मर को ये मशीन देते हैं। और अगर कोई मेरा भाई कहता है कि मेरे को ये इंजन 6 HP का दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम 6 HP का दे देंगे। कोई बोलता है पेट्रोल दे दो, तो 6 HP में ये और पेट्रोल 9 HP में, उसका रेट मेरा पुराना वही 98,000 है, हमने पहले भी 98,000 ही रेट रखा था। ये मशीन जैसे हम लोगों के, ये मेरे ख्याल लगभग 90,000 की हम लोग अभी भी अगर कोई डिमांड करे मैं दे सकता हूँ, बट इस मशीन ये फार्मर के लिए 90,000 लगा कर भी एक सफ़ेद हाथी है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो मेरा फार्मर इतना तगड़ा नहीं है कि हर काम के लिए अलग से एक मशीन ले ले, तो मैं किसान भाइयों को ये राय दूंगा कि अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि ये रीपर खाली रीपर ले लो, तो अगर तो कोई तगड़ा फार्मर है वो ले ले रख ले, बट ये मशीन अगर आप लंबा टाइम खड़ी रखोगे तो इसमें रिपेयर की बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें और बहुत सी प्रॉब्लम है, गियर की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं मना नहीं करता किसी को, लो आप, बट इसमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखो। और तीसरी जो ये रीपर सेगमेंट में हम बात करें, तो जैसे हम लोग वो रीपर तो लगभग सभी किसान जो है चला रहे हैं, मेरी लगभग आप रीपर के साथ लगा लोगे 450 से ऊपर मशीन चल रही है। और कुछ भाइयों का पिछली, मेरे को पिछले यूपी में और भी लोगों का था कि आप यार रीपर वाइंडर लॉन्च करो, तो मैंने अभी ये मशीन लॉन्च तो कर दी है, मतलब अभी हम लोग इसको 8-10 मशीनें बेचेंगे सीजन के अंदर। ये मशीन काट कर ये रस्सी से, जहाँ पे आप सूती जो जूट का धागा, वो जूट का धागा है वो भी लगा सकते हो, ये काट कर एक साइड पे फेंकेगी, मतलब हाँ काटेगी और बधाई भी कर देगी, और साइड में ऐसे ऐसे छोटी छोटी पोटली बनाकर। मेरे पास इस मशीन की भी देखो, हम लोग अपनी प्रोफेशनल वीडियो तो बहुत ढंग से मेरे पास बहुत पड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस किसान को, मैंने अभी मेरी 3 मशीनें जा चुकी हैं, तो जिस बंदे को मैं दूँ जो वीडियो मेरे को वहाँ से आए, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि फार्मर बिल्कुल इनोसेंट होता है, जो करता है हमें उसी पे करनी होती है R&D। इसमें हमने डीजल इंजन दिया है, वाटर कूल्ड इंजन दिया है, एवरेज बड़ी अच्छी है, मशीन बड़ी शानदार है। अपनी तरफ से हमने पूरी इसके अंदर ये यहाँ पे पूरे टूल्स के रखने के लिए जो भी है दिया सामान, तो टोटली हैंडल से स्टार्ट होती है जैसे अपना होता है। तो ये मशीन खाली जैसे वो रीपर लेने से, ये मशीन रीपर लेना ज़्यादा बेहतर है, अगर आपका कटाई का काम किराए का है या धंधा कोई बड़ा करना है तो इसलिए बढ़िया है। इसकी कीमत जो हमने अभी, क्योंकि हमने भी नई R&D की है, थोड़ी कॉस्टली पड़ी है हमें, ये 2,60,000 में हम लोग फार्मर को दे रहे हैं, बट इसी सेगमेंट में मैं जब चेक करता हूँ तो लोग कोई 5-5 लाख की मशीनें बेच रहे हैं। तो मेरा होता है कि हमें मार्जिन कम मिले, सेल ज़्यादा हो जाए, और हम लोगों को फार्मर जो है एज ए प्रोडक्ट और क्वालिटी प्राइस दोनों तीनों तरफ से हमें लाइक करें। तो ये वाला ये प्रोडक्ट है हमारे लिए बिल्कुल नया है। अभी हम आप लोग इसकी फीडबैक दोगे, इस सीजन में हम 10 ही मशीनें बेचेंगे, उसके बाद जो फीडबैक आएगी फार्मर की उस ढंग से हम आगे चलेंगे।